नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल ने त्याग पत्र देकर बहुत बड़ा त्याग किया है या राजनीति का दांव खेला है। आज हम केजरीवाल की इस रणनीति को आपके लिए डिकोड करेंगे और ये भी बताएंगे कि वो कौन सा नेता होगा जिसे केजरीवाल दिल्ली का रिमोट कंट्रोल वाला मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे। इसके बाद आपको प्रधानमंत्री मोदी के बैक टू बैक दो सुपरहिट वीडियोस दिखाएंगे। इनमें से एक वीडियो गांधीनगर का है जो आज का ही है, जिसे देखकर उन लोगों को बड़ी निराशा होगी जो ये सोचते हैं कि 240 सीटें मिलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता में कुछ कमी आई है। और दूसरा वीडियो प्रधानमंत्री के घर का है, जहां प्रधानमंत्री मोदी एक नन्ही सी गाय के साथ खेल रहे हैं जो उनके घर में नई मेहमान है। और इस वीडियो को देखने के बाद से ही प्रधानमंत्री मोदी के कट्टर समर्थक बेहद खुश हैं। क्यों खुश हो रहे हैं आपको बताएंगे। और आखिर में आपको दिखाएंगे कि कोलकाता में महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद से पिछले एक महीने में भारत के लोग इंटरनेट पर क्या देख रहे हैं। लेकिन आज की राजनीति के दो नए शब्द हैं, मर्यादा और मजबूरी। और आज अरविंद केजरीवाल की राजनीति इन्हीं दो शब्दों से घिरी हुई है। आज हर कोई ये जानना चाहता है कि अब जब अरविंद केजरीवाल ने इतनी आलोचना और इतने दबाव के बावजूद 6 महीने तक जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दिया, तो वो जेल से बाहर आते ही अब इसके लिए तैयार क्यों हो गए। सभी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि केजरीवाल को जब गिरफ्तार किया गया तब उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, जब जेल में चले गए तब इस्तीफा नहीं दिया, उसके बाद जब उनकी बेल रिजेक्ट हुई तब इस्तीफा नहीं दिया, तो अब जबकि उन्हें बेल मिल चुकी है, वो बाहर आ गए हैं, अब इस्तीफा देने की क्या आवश्यकता पड़ी। दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल को कल शाम 4:30 बजे मिलने का समय दिया है और इसी दौरान केजरीवाल अपना इस्तीफा उपराज्यपाल को सौंपेंगे और इसी के बाद आम आदमी पार्टी के विधायकों की एक बैठक की जाएगी जिसमें दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का ऐलान किया जाएगा कि जब अरविंद केजरीवाल इस कुर्सी को छोड़ देंगे तो अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आम आदमी पार्टी का कहना है कि नए मुख्यमंत्री का चुनाव विधायकों की सहमति से होगा, लेकिन हमारे सूत्रों का कहना है कि दिल्ली का नया मुख्यमंत्री वही बनेगा जिसके नाम पर अरविंद केजरीवाल अपनी सहमति देंगे। यानी विधायक दल की बैठक बुलाना और उनसे उनकी राय जानना यह तो एक औपचारिकता है। अरविंद केजरीवाल अब तक ये सोच चुके होंगे कि वो अगला मुख्यमंत्री किसे बनाएंगे, अब तक उनके दिमाग में वो नाम आ चुका होगा, लेकिन अभी हमें और आपको नहीं पता, लेकिन केजरीवाल जानते हैं कि कल वो किसे मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। आज अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर दो बड़ी बैठकें की हैं, जिनमें पहली बैठक केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और राघव चड्ढा के बीच हुई जो 1 घंटे तक चली। दूसरी बैठक आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की हुई, जिसमें केजरीवाल ने एक एक करके इस कमेटी के सभी सदस्यों से मुलाकात की और उनसे उनके मन की बात पूछी, उनसे पूछा कि वो किस नेता को अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे। और इस कमेटी में कौन कौन है देखिए, इसमें है मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, दुर्गेश पाठक, आतिशी, गोपाल राय, इमरान हुसैन, राघव चड्ढा, राखी बिरलान, पंकज गुप्ता और एनडी गुप्ता, ये इस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सदस्य हैं। इनसे केजरीवाल ने पूछा कि अगला मुख्यमंत्री किसे बनाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल पहली बार दिसंबर 2013 में दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे और तब से दिल्ली को कोई नया मुख्यमंत्री नहीं मिला है, हर बार वही मुख्यमंत्री बन रहे हैं। लेकिन कल दिल्ली को 11 वर्षों के बाद एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा जिसके लिए 5 नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, इनके नाम सबसे ज्यादा चल रहे हैं। तो आपको बताते हैं कि वो 5 नाम कौन से हैं। पहला नाम है कैलाश गहलोत का। कैलाश गहलोत जाट समुदाय से आते हैं, वो दिल्ली में नजफगढ़ की जिस विधानसभा सीट से 2 बार चुनाव जीते, वो सीट हरियाणा में जाट बाहुल इलाकों से बिल्कुल लगती हुई सीट है। और इनमें कौन कौन से इलाके लगते हैं हरियाणा के, बहादुरगढ़, नजफगढ़, वो भी इस इलाके, उनके इस इलाके से लगे हुए हैं। और हरियाणा में सबसे ज्यादा 27% जाट वोटर्स हैं और अग्निवीर योजना और किसान आंदोलन के कारण हरियाणा के जाट वोटर्स में बीजेपी के खिलाफ एक नाराजगी है और यही कारण है
कि अगर कैलाश गहलोत दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो केजरीवाल हरियाणा के वोटर्स में जाट वोटर्स को, हरियाणा के चुनाव में जाट वोटर्स को आसानी से अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल कैलाश गहलोत पर इतना विश्वास करते हैं कि उन्होंने इस समय सरकार में उन्हें गृह मंत्रालय दिया हुआ है, वित्त मंत्रालय और परिवहन मंत्रालय के समेत 8 बड़े मंत्रालय एक ही नेता को दिए हुए हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि अगर कैलाश गहलोत मुख्यमंत्री बने तो केजरीवाल के लिए उन्हें रिमोट कंट्रोल से चलाना काफी आसान होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा में चुनाव आने वाले हैं, केजरीवाल की रिहाई ऐसे समय पर हुई है जब हरियाणा के चुनाव बिल्कुल सिर पर हैं, और केजरीवाल जरूर ये चाहेंगे कि इस बार आम आदमी पार्टी का खाता हरियाणा में भी एक बार खुल जाए, और इस काम के लिए कैलाश गहलोत एक बहुत अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं। कैलाश गहलोत अगर नहीं बनते हैं तो फिर आतिशी और सौरव भारद्वाज का नाम भी इस दौड़ में शामिल है, लेकिन इन दोनों नेताओं के लिए ऐसा कहा जाता है कि अगर ये मुख्यमंत्री बने तो ये काफी महत्वाकांक्षी हो सकते हैं, और शायद केजरीवाल के लिए दोबारा मुख्यमंत्री बनना इतना आसान नहीं होगा। हालांकि एक तथ्य यह भी है कि जब केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ये तीनों लोग जेल में बंद थे, तब आतिशी और सौरव भारद्वाज ने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से सरकार और पार्टी को संभाला था। इसलिए जो लोग इन दोनों नेताओं पर शक कर रहे हैं, जो सोचते हैं कि ये अति महत्वाकांक्षी हो सकते हैं, उन्हें यह भी समझना होगा कि जब आम आदमी पार्टी के तीनों बड़े नेता जेल में थे, अरविंद केजरीवाल समेत, तब इन दोनों नेताओं ने पूरी ईमानदारी से और निष्ठा के साथ दिल्ली की सरकार को चलाया है, और एक बार भी इन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा। इसलिए हो सकता है कि केजरीवाल इन दोनों नेताओं में से भी किसी पर भरोसा करें, लेकिन इन दोनों के लिए ही बड़ी बात यह है, और आतिशी के लिए जो बताया जा रहा है वो ये है कि बाकी के जो विधायक हैं, ऐसा कौन नेता हो सकता है जिसके लिए बाकी के विधायक भी संतुष्ट रहें और तैयार हो जाएं कि इस नेता को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। कुछ नेता आम आदमी पार्टी में ऐसे हैं जिन्हें विधायकों का पूरा समर्थन नहीं है। अब इस लिस्ट में कुलदीप कुमार का नाम भी है, जो आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े दलित नेता हैं, और क्योंकि इन दिनों अरविंद केजरीवाल अपनी सारी राजनीति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर कर रहे हैं, इसलिए वो कुलदीप कुमार को भी मुख्यमंत्री बनाकर सबको चौंका सकते हैं और अपने दलित वोटर्स को खुश कर सकते हैं, और इससे उन्हें 3 फायदे होंगे। पहला, हरियाणा और दिल्ली के विधानसभा चुनावों के साथ वो पूरे देश में दलित कार्ड खेल पाएंगे। दूसरा, इससे यह संदेश जाएगा कि उन्होंने अपनी पार्टी के एक दलित विधायक को इतना बड़ा मौका दिया है। और तीसरा, कुलदीप कुमार का कद पार्टी में इतना छोटा है कि अगर वो मुख्यमंत्री बन भी गए तो शायद वो केजरीवाल के लिए मुख्यमंत्री आवास भी लेने से इनकार कर देंगे, और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो केजरीवाल की सारी बातें बिना किसी शर्त के मान जाएंगे, और जिस दिन केजरीवाल उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहेंगे उस दिन वो आसानी से बिना कोई सवाल पूछे इस्तीफा दे भी देंगे, क्योंकि नया मुख्यमंत्री होना ऐसा ही चाहिए जो रिमोट कंट्रोल से चल सके, और जिस दिन केजरीवाल का इशारा हो उसी दिन बिना कोई समय बर्बाद किए वो कुर्सी छोड़कर हट जाए ताकि केजरीवाल साहब दोबारा उस कुर्सी पर बैठ सके। इसलिए बड़े भरोसे का आदमी चाहिए, और इस पूरा जो ये चयन की प्रक्रिया है इसमें भरोसा, विश्वास पात्र होना, लॉयल्टी, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। इसके अंदर कॉम्पिटेंस इतना बड़ा फैक्टर नहीं है कि कौन नेता कितना अच्छा होगा, वो कितनी अच्छी सरकार चलाएगा। बड़ी बात यह है कि वो कितना विश्वास पात्र है और कितना लॉयल है। पार्टी से मुख्यमंत्री बनाने में आखिरी नाम है गोपाल राय का। हालांकि इन नेताओं को मुख्यमंत्री बनाने में जोखिम यह है कि ये नेता महत्वाकांक्षी हो सकते हैं और समय आने पर केजरीवाल के लिए इन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं भारत की राजनीति में ना तो कोई पक्का दोस्त है ना कोई पक्का दुश्मन है, कुछ भी स्थायी नहीं है और लोगों को बदलते हुए ज्यादा समय नहीं लगता। आपने देखा होगा नीतीश कुमार ने जब जीतन राम मांझी को बनाया उसके बाद वो भी हटने के लिए तैयार नहीं थे, और इसी तरीके से जब हेमंत सोरेन ने अपने पीछे चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया और फिर जब उन्हें हटाया तो चंपई सोरेन भी नाराज हो गए और उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। इसलिए अरविंद केजरीवाल समझदार नेता हैं
और वो ये जरूर चाहेंगे कि उनके साथ ऐसा ना हो जैसा चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन के साथ किया। अगर इस स्थिति से केजरीवाल को बचना है तो फिर एक ही रास्ता है और वो है अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री बनाना। इसे हम राजनीति में राबड़ी देवी फॉर्मूला भी कहते हैं। जो काम लालू प्रसाद यादव ने किया था अपने पीछे अपने बाद उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था, अब वो फॉर्मूला हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल भी लागू करें। अगर 58 वर्ष की सुनीता केजरीवाल दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनती हैं तो 56 वर्ष के अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार को सबसे पहला फायदा तो यह होगा कि उन्हें अपना राजमहल जैसा सरकारी बंगला खाली नहीं करना पड़ेगा जिसमें उन्होंने इतना पैसा लगाया है, उसे इतना भव्य बना दिया है, तो ये मकान उनका बचा रहेगा और इस मकान में अरविंद केजरीवाल का परिवार पहले की तरह रहता रहेगा, क्योंकि जब उनकी पत्नी मुख्यमंत्री बन जाएंगी तो उन्हें यह मकान छोड़ना नहीं होगा। दूसरा, अगर चुनावों के बाद अरविंद केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं तो सुनीता केजरीवाल को इससे कोई आपत्ति नहीं होगी और ये जो ट्रांजिशन है एक मुख्यमंत्री से दूसरे का ये बहुत स्मूथली हो जाएगा। जबकि पार्टी का कोई और नेता अगर मुख्यमंत्री बनता है तो छोटा सा रिस्क ही सही लेकिन कुछ रिस्क तो जरूर रहेगा कि अगर उस नेता का मन बदल गया, अगर उस नेता ने यह कहना शुरू कर दिया कि उन्होंने तो अरविंद केजरीवाल से भी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है इसलिए उन्हें क्यों हटाया जाए, अगर उस नेता ने यह कह दिया कि उसके मुख्यमंत्री रहते हुए आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव जीती है इसलिए लोगों ने उसे चुना है, तब केजरीवाल क्या करेंगे। ऐसे में सबसे जो सेफ उम्मीदवार है वो उनकी अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल हो सकती है। और केजरीवाल हमेशा ईमानदारी, मर्यादा, संविधान, डॉक्टर अंबेडकर, शहीद आजम भगत सिंह और महात्मा गांधी का नाम लेकर बड़ी बड़ी बातें करते आए हैं और आज भी करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वर्ष 2021 में उन्होंने अपनी पार्टी का संविधान बदलकर यह नियम समाप्त कर दिया था कि एक परिवार का एक ही सदस्य उनकी पार्टी में शामिल हो सकता है और चुनाव लड़ सकता है। उन्होंने इस नियम को बदल दिया था। इस नियम के समाप्त होने के बाद आज सुनीता केजरीवाल आसानी से दिल्ली की मुख्यमंत्री बन सकती हैं क्योंकि अब परिवारवाद के खिलाफ बना यह नियम आम आदमी पार्टी खत्म कर चुकी है। इसलिए अगर वो उन्होंने ऐसा किया तो केजरीवाल पर भी परिवारवाद के आरोप जरूर लगेंगे। अरविंद केजरीवाल की तरह सुनीता केजरीवाल भी एक रिटायर्ड IRS ऑफिसर हैं और वो इनकम टैक्स के ट्रिब्यूनल में कमिश्नर के पद पर रह चुकी हैं और उनके पास 20 वर्षों का लंबा प्रशासनिक अनुभव भी है। इसके अलावा सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी लोकप्रिय हैं और वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में जब केजरीवाल ने वाराणसी की लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा तब सुनीता केजरीवाल ने अपनी सरकारी नौकरी से छुट्टी लेकर अपने पति के लिए प्रचार किया था। हालांकि इस समय ये सिर्फ अटकलें हैं और आम आदमी पार्टी ने कहा है कि नए मुख्यमंत्री का चुनाव विधायक दल की बैठक में होगा, जबकि बीजेपी कहती है कि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने में अभी 3-4 महीने ही बचे हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल चुनावों के लिए ही, चुनाव जीतने के लिए ही ये सारी राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी ये कह रही है कि जो हमने कहा था वही हुआ है, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, जो हम दूसरी बात कह रहे हैं कि सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा ये भी आपको जल्द सामने नजर आएगा। नहीं, आप बता दो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वाले परेशान हैं, वो एक्चुअली 2 साल से परेशान है। भारतीय जनता पार्टी तो इस बात से परेशान है कि देश में अब एक इकलौती ऐसी पार्टी है आम आदमी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी की आंख में आंख मिलाकर उनकी तानाशाही के खिलाफ संघर्ष कर सकती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी परेशान है, कुछ ना कुछ तो कहेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सभी वहां पे मौजूद नेताओं और मंत्रियों से 1-to-1 नए मुख्यमंत्री के विषय में चर्चा की, उनसे फीडबैक लिया और कल विधायक दल की मीटिंग होगी और इस चर्चा को दूसरे चरण में कल विधायकों के साथ मुख्यमंत्री ले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र ने कोई 4-5 महीने पहले बताया था
कि सिसोदिया जी जब छूटे मैंने फोन किया, मैंने कहा क्या यार छोड़ दिया, तो कहने लगे भैया क्या करें हरियाणा के चुनाव आ रहे हैं, तो मैंने कहा वो दूसरे वाले, कहने का बस उनकी भी जरूरत है वहां, तो हमें तभी पता चल गया था 3-4 महीने पहले कि ये बेलेल सब होने वाली है। जहां कांग्रेस सत्ता में है या कांग्रेस मुख्य विपक्ष है वहीं आप क्यों एक्टिव होते हैं? तो इनका टारगेट बीजेपी नहीं है, क्योंकि अगर बीजेपी टारगेट होता तो जहां बीजेपी ताकतवर है वहां जाके लड़ते ना, वहां तो केवल कांग्रेस लड़ रही है ना, और तो कोई पार्टी लड़ नहीं रही। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी इस बेल कंडीशन की विवशता पर नैतिकता का आवरण डालने का प्रयास करा है और एक राजनीतिक ढोंग रचने का प्रयास करा है। दिल्ली की जनता ये जानती है कि अगर उनको इस्तीफा देना ही था तो उनको 48 घंटे की आवश्यकता क्यों है? क्या उनके राजनीतिक दल में किसी प्रकार का सत्ता के मुंह को लेकर दंगल चल रहा है क्या? अब इस बार जब बेल दिया इतना दिन बाद, तो चीफ मिनिस्टर पद से एक प्रकार से सस्पेंड हैं ये। आप फाइल साइन नहीं कर सकते, आप ऑफिस नहीं जा सकते सीएम के, तो फिर काहे का मुख्यमंत्री? तो जब कोर्ट ने हटा दिया तब ये नाटक कर रहे हैं, देखो देखो मैं इस्तीफा दे रहा हूं, देखो मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तो ये जो फर्जीवाड़े का जो सबसे बड़ा चेहरा हो सकता है ना, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ईमानदारी की राजनीति करते हैं, इसलिए उन्होंने विधानसभा भंग करने के बजाय खुद इस्तीफा देकर नया मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है, जबकि इस बात के भी कई एंगल हैं। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल को डर था कि अगर विधानसभा भंग हो गई तो वर्ष 2014 की तरह दिल्ली में लंबे समय के लिए राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, और यही कारण है कि उन्होंने विधानसभा भंग होने का जोखिम नहीं उठाया और अपनी जगह तुरंत नए मुख्यमंत्री के चुनाव का फैसला उन्होंने कर दिया। अब आप केजरीवाल का वो बयान सुनिए जिसमें उन्होंने कहा है कि वो और मनीष सिसोदिया जनता की अदालत में जाएंगे और जनता का एक एक वोट उनकी ईमानदारी और बेगुनाही का सर्टिफिकेट होगा, और अगर जनता उन्हें चुनाव में जिताकर फिर से चुन लेती है तो वो उसी के बाद फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। यानी ईमानदारी का सर्टिफिकेट पहले वो दिल्ली की जनता से लेना चाहते हैं, जब ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा चुनाव में जीत के रूप में तो फिर वो दोबारा मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मैं मनीष जी से बात कर रहा था, जो पीड़ा मेरे मन में है वो पीड़ा मनीष जी के मन में भी है, इनके लिए भी वही सब कहा गया जो मेरे लिए कहा गया है। मनीष जी का भी कहना है कि ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब दिल्ली की जनता कहेगी कि मनीष सिसोदिया ईमानदार है। तो मैं और मनीष सिसोदिया हम दोनों का फैसला आपके हाथ में है, जनता के हाथ में है। हम दोनों जनता की अदालत में जा रहे हैं, गली गली जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और उनसे पूछेंगे अगर जनता कहेगी ईमानदार है तो हम आके इसकी कुर्सी पे बैठे। और जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि हरियाणा का चुनाव होने वाला है और अरविंद केजरीवाल खुद भी हरियाणा से आते हैं, उनकी हरियाणा में बड़ी दिलचस्पी भी है और वो अब अपने आप को एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर देखते हैं, इसलिए देखने वाली बात यह होगी कि अगर आम आदमी पार्टी बहुत तैयारी के साथ हरियाणा का चुनाव लड़ती है तो वो बीजेपी का वोट काटेगी या कांग्रेस का वोट काटेगी, देखने वाली बात यह है। और अब आप सोचिए, अगर जैसा मैंने आपसे कहा, अगर वो कैलाश गहलोत को या किसी ऐसे नेता को मुख्यमंत्री बनाते हैं जिससे उन्हें हरियाणा में फायदा हो सकता है, मान लीजिए अगर कैलाश गहलोत को भी बनाते हैं और कैलाश गहलोत की वजह से कुछ जाट वोट हरियाणा में कांग्रेस की बजाय अगर आम आदमी पार्टी की तरफ आ जाते हैं तो इससे कांग्रेस को नुकसान होगा और बीजेपी को फायदा हो जाएगा। इसलिए यह भी बहुत देखने वाली बात होगी कि अगर आम आदमी पार्टी सक्रिय होती है हरियाणा के चुनाव में तो कहीं वो बीजेपी का फायदा तो नहीं करा रही, क्योंकि जितने वोट इस बार बटेंगे हरियाणा में, खास तौर पर जो बीजेपी विरोधी वोट जितने ज्यादा अलग अलग पार्टियों में बटेंगे उतना ही फायदा बीजेपी को होने वाला है। अब आप ये देखिए कि इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण क्या है। आपके मन में भी यह सवाल जरूर होगा कि अरविंद केजरीवाल ने यह जो इस्तीफा दिया है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, और बीजेपी का कहना तो यह है
क्योंकि उन्हें इतनी सारी शर्तों के साथ ये जमानत मिली है, वो मुख्यमंत्री के दफ्तर में जा नहीं सकते, फाइल पर साइन नहीं कर सकते, वो ये बात जानते हैं कि वो मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए भी कोई काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो हट रहे हैं। लेकिन इसके पीछे और भी बहुत सारी बातें हो सकती है, इसके पीछे एक रणनीति हो सकती है, इसके पीछे अपनी छवि चमकाने की एक कोशिश हो सकती है, अपने आप को ईमानदार साबित करने की कोशिश हो सकती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जनता की सहानुभूति लेना चाहेंगे। वो त्याग पत्र देने में एक्सपर्ट हैं, रिजाइन करने में, इस्तीफा देने में एक्सपर्ट हैं, पहले भी वो ये काम कर चुके हैं और इस बार भी उन्होंने किया है। वो एक ऐसे नेता हैं जो सत्ता में रहते हुए भी विरोधी पक्ष के नेता की तरह व्यवहार करते हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं लेकिन उनका व्यवहार होता है विपक्षी नेता की तरह, अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर भी बैठ सकते हैं और अपनी ही सरकार से इस्तीफा भी दे सकते हैं। इसलिए लोगों के मन में कैसे सहानुभूति पैदा करनी है यह केजरीवाल अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन जो कुछ उन्होंने किया है इसका विश्लेषण क्या है? पहली बात, अगर आपराधिक मामलों में दोषी साबित होने का फैसला अदालतों की बजाय चुनावों में जीत से होने लगेगा तो फिर हमारे देश में अदालतें होने का मतलब ही क्या है? आप खुद सोचिए, क्या इस देश में शराब घोटाले के बाकी आरोपियों का या दूसरे बड़े अपराधियों को भी यह विकल्प दिया जाएगा कि वो चुनावों में जनता के वोट लेकर दोष मुक्त साबित हो जाएं? और अगर ऐसा है तो क्या फिर हमारे देश में अदालतों को फिर बंद कर देना चाहिए? ऐसे जो मामले होते हैं फिर इनमें जो बड़े बड़े अपराधी हैं उन्हें लेकर जनता में बहुत सारे जो नेता हैं वो तो चुनाव लड़ लेंगे, चुनाव जीत जाएंगे और कहेंगे कि देखिए जनता ने हमें ईमानदार मानकर सर्टिफिकेट दे दिया, अब फैसला हो चुका, अदालत में जाने की जरूरत ही नहीं है फिर तो। दूसरी बड़ी बात यह है वहां पर कि जो अपराधी नेता नहीं है फिर वो भी यही कहेंगे कि भाई हमारे बारे में भी जनता के बीच जाकर आप कोई ओपिनियन पोल कर लीजिए, हमारे गांव में चले जाइए, हमारे मोहल्ले में चले जाइए, हमारे शहर में चले जाइए, हमारे राज्य में चले जाइए और हमारे शहर के लोगों से पूछ लीजिए कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, एक ओपिनियन पोल कर लीजिए। अगर हमारे शहर के गांव के लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं इसका मतलब हम ईमानदार हैं। फिर तो एक दिन विजय माल्या भी यही कहेंगे कि मैं भारत आ जाऊंगा, आप मेरे इलाके के लोगों से पूछ लीजिए कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। जो दूसरे बड़े अपराधी हैं, नीरव मोदी भी एक दिन यही कहेंगे कि मैं भी भारत आ जाऊंगा, आप मेरे बारे में एक ओपिनियन पोल करवा लीजिए कि भारत की जनता मेरे बारे में क्या सोचती है। दूसरे जो बड़े बड़े अपराधी जेलों में बंद हैं वो भी यही कहेंगे कि हमारे बारे में आप जरा हमारे क्षेत्र में लोगों से जाकर एक जनमत संग्रह करवा लीजिए और फिर देखिए कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं। तो फिर अदालत में जो मामले चल रहे हैं उससे क्या फर्क पड़ता है कि अदालत आपको दोषी ठहराती है या आपको क्लीन चिट देती है? तो केजरीवाल जो कहने की कोशिश कर रहे हैं उससे दूसरे अपराधियों को बड़ा बल मिलेगा, दूसरे नेताओं को बड़ा बल मिलेगा और अब इसके बाद कोई इस्तीफा नहीं देगा और लोग यही कहेंगे कि अदालत की बात पर मत जाइए, जनता की अदालत में चले जाइए और वहां से क्लीन चिट ले लीजिए। दूसरा, हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं ने मुख्यमंत्री पद का एक मजाक बनाकर रख दिया है जिसमें वो अपनी जगह जब वो फंसते हैं किसी आपराधिक मामले में, जब जेल चले जाते हैं या जब अपनी कुर्सी से संविधान की वजह से, कानून की वजह से नहीं चिपके रह पाते तो अपनी जगह वो ऐसे कमजोर नेताओं को खोजते हैं जिन्हें वो रिमोट कंट्रोल से अपनी उंगलियों पर नचा सके। जबकि मुख्यमंत्री का पद ऐसा होता है कि इसे आप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते और यह पद नॉन ट्रांसफरेबल होना चाहिए। जनता ने अरविंद केजरीवाल को वोट दिया है, उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दिया है, अब इसके बाद हमारे नेता सोचते हैं कि यह ट्रांसफरेबल है, जनता ने मुझे चुना और मैं किसी और को चुन सकता हूं। यह जनता के साथ और वोटर के साथ धोखा है क्योंकि ये जो बड़े बड़े नेता हैं ये किसी कठपुतली जैसे नेता को अपनी जगह मुख्यमंत्री बना देते हैं और उसके बाद सरकार पर उसका असर पड़ता है और जनता के साथ एक तरीके का धोखा होता है क्योंकि जनता ने उस नेता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इस पार्टी को वोट नहीं दिया था। तीसरी बात, जब किसी कमजोर या दूसरे नेता को इतने बड़े पद की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है तो इससे उस नेता की महत्वाकांक्षाएं भी जाग जाती हैं और फिर वो नेता ये बताता है कि मेरे शासन में कितना अच्छा काम हुआ और झारखंड में चंपई सोरेन और बिहार में जीतन राम मांझी का उदाहरण आज आप सबके सामने है। इन्हें कमजोर नेता समझकर इनके जो बॉस थे नीतीश कुमार या फिर यहां हेमंत सोरेन, उन्होंने इन लोगों को मुख्यमंत्री तो बना दिया लेकिन बाद में इन्होंने
हटने से इनकार कर दिया और जब इन्हें हटाया गया तो इन्होंने पार्टी छोड़कर या तो अपनी अलग पार्टी बना ली या फिर बीजेपी में चले गए। ये सब चुनाव का दुरुपयोग है और जनता के साथ धोखा है। चौथा पॉइंट है गवर्नेंस का। जनता जब वोट देती है तो वो चाहती है कि जिस पार्टी को उसने सत्ता में चुनकर भेजा है वो पार्टी, वो सरकार उसकी सेवा करे। लेकिन अगर आप दिल्ली को देखेंगे तो दिल्ली में पिछले काफी समय से गवर्नेंस जैसी कोई चीज नहीं दिखती, सेवा जैसी कोई चीज नहीं दिखती, विकास आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। दिल्ली के एक बिना अस्पताल वाले लाइसेंस में 7 नवजात बच्चे जिंदा जलकर मर गए थे और इस अस्पताल में मैं खुद गया था, वहां से मैंने आपके सामने रिपोर्टिंग की थी और आपको बताया था कि इस अस्पताल की स्थिति कैसी है, कैसे ये अवैध रूप से बिना लाइसेंस के चल रहा है। ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में पानी भरने से आईएएस की तैयारी करने वाले 3 छात्रों की मौत हो गई थी। इसी तरह पटेल नगर में यूपीएससी की तैयारी कर रहा एक युवा छात्र बारिश में पानी में करंट लगने के कारण मर गया। ई रिक्शा से सरकारी बिजली की चोरी के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। गर्मियों के दौरान दिल्ली के कम 50 लाख लोगों को पीने के पानी के लिए संघर्ष करना पड़ा। इसके बाद मानसून की बारिश में 30 लोगों की जान चली गई। दिल्ली में थोड़ी सी भी बारिश होती है और बाढ़ आ जाती है। यमुना नदी से लेकर दिल्ली के फुटपाथ पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, यहां तक कि यमुना नदी पर कब्जा हो गया है। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि दिल्ली में गवर्नेंस है ही नहीं, सरकार आपको कहीं दिखाई देगी ही नहीं। और ऐसा लगता है कि दिल्ली की सरकार सिर्फ मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी देने को ही अपना काम मानती है। इसके अलावा बाकी सारे काम दिल्ली में इस समय ठप पड़े हुए हैं और यह दिल्ली की जनता के साथ एक ना इंसाफी है। पांचवी बात, केजरीवाल राजनीति के ऐसे चतुर खिलाड़ी हैं कि उन्होंने अपनी इस चाल से बीजेपी को भी फंसा दिया है। और केजरीवाल ने जो चाल चली है अपने इस्तीफे की, बीजेपी को उन्होंने सरप्राइज कर दिया है। बीजेपी शायद इसके लिए तैयार नहीं होगी, इसलिए बीजेपी चाहे कुछ भी कहें लेकिन इतना जरूर कहना होगा कि राजनीति जो होती है वो दांव पेच का खेल होती है और केजरीवाल ने अपनी चतुराई दिखाते हुए बीजेपी को हैरान कर दिया है, परेशान कर दिया है। और ये उनकी चतुराई का एक नमूना है कि जब किसी ने नहीं सोचा था कि केजरीवाल इस्तीफा देंगे, उन्होंने इस्तीफा देने के बाद अपने विरोधियों को हैरान किया है, सरप्राइज कर दिया है। इसलिए उनकी राजनीतिक चतुरता की तो तारीफ करनी ही पड़ेगी। छठा, केजरीवाल की कोशिश अब पूरी तरह से एक राष्ट्रीय नेता बनने की है और वो अपने आप को प्रधानमंत्री मोदी का प्रतिद्वंदी मानते हैं। हो या ना हो, अपने मन में, अपने दिल में, दिमाग में तो वो ऐसा मानते हैं और उसी दुनिया में जी रहे हैं और उसी तरफ काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी पहले ही राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है और वो विपक्षी दलों में कांग्रेस पार्टी के बाद देश की दूसरी ऐसी पार्टी है जिसकी 2 राज्यों में सरकारें और कुल 4 राज्यों में विधायक हैं और इनमें गोवा और गुजरात शामिल है। तो सोचिए केजरीवाल के जो फुटप्रिंट्स हैं, आम आदमी पार्टी के फुटप्रिंट्स कहां कहां पर चले गए हैं। दिल्ली में सरकार है, पंजाब में सरकार है, गोवा में विधायक हैं, गुजरात में विधायक हैं। इसके अलावा कोई और क्षेत्रीय पार्टी भारत की ऐसी नहीं है जिसकी 2 राज्यों में सरकार हो, ना तो ममता बनर्जी की है, ना किसी और पार्टी की है, ना नीतीश कुमार की है। जितने भी नेता अगर आप देख लेंगे, कोई ऐसा नहीं है जिसकी 2 राज्यों में सरकार हो। एक पार्टी है, वो है कांग्रेस, अगर सारे विपक्षी दलों को आप देखें तो। और केजरीवाल की शुरुआत से ही ये तमन्ना रही है कि वो खुद को एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर देखना चाहते हैं और इसके लिए वर्ष 2014 में उन्होंने वाराणसी की लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और इस चुनाव में उन्हें 2,09,000 वोट मिल गए थे और प्रधानमंत्री मोदी को 5,81,000 वोट मिले थे और केजरीवाल 3,71,000 वोटों से हार गए थे। लेकिन तब भी केजरीवाल ने 2,00,000 से ज्यादा वोट ले लिए थे। प्रधानमंत्री मोदी के सामने चुनाव लड़ने का मतलब ही यह है कि वो अपने आप को एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। उस समय प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ केजरीवाल को 20% वोट मिलना भी मेरे हिसाब से एक बड़ी बात मानी जाएगी। और आखिरी पॉइंट यह है कि दिल्ली में केजरीवाल का सरकारी बंगला उनके लिए भाग्यशाली नहीं रहा। उन्होंने इस सरकारी बंगले को महल जैसा तो बना दिया, भव्य बना दिया, लेकिन वो इस बंगले में ज्यादा रह नहीं पाए। जिस दिन से यह बंगला तैयार हुआ है और उन्होंने इसमें शिफ्ट किया है, उस दिन से ही केजरीवाल के ऊपर कोई ना कोई परेशानी आती रही, कोई ना कोई विवाद होता रहा।
पहले उन्हें जेल जाना पड़ा और अब सुनीता केजरीवाल अगर मुख्यमंत्री नहीं बनी तो केजरीवाल को अपना ये सरकारी बंगला खाली करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो मुख्यमंत्री नहीं है। उनके परिवार का भी अगर कोई सदस्य मुख्यमंत्री नहीं है तो फिर वो अपने इस सपनों के महल में नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए अगर केजरीवाल अपने इस सपनों के महल में रहना चाहते हैं तो फिर तो उन्हें सुनीता केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। नहीं बनाते हैं तो अब से हम रोज उनसे ये सवाल पूछा करेंगे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद अब वो अपने इस सरकारी बंगले को कब छोड़ रहे हैं, क्योंकि जब उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की थी तब वो बाकी नेताओं पर यही आरोप लगाते थे कि लोग अपने बड़े बड़े सरकारी बंगलों में रहते हैं, हमारे नेता भ्रष्ट हो चुके हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। आज केजरीवाल भी बड़ी गाड़ी में चलते हैं और बड़े बंगले में रहते हैं। और अब बड़ी बात यह भी होगी कि जिसे भी वो मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्या वो नया मुख्यमंत्री केजरीवाल के इस शानदार मकान में शिफ्ट करेगा? क्या दिल्ली के नए मुख्यमंत्री को भी केजरीवाल के इस मकान में रहने का मौका मिलेगा? क्या वो भी इस मकान का आनंद कुछ महीने तक उठा पाएगा, या फिर केजरीवाल उससे ये बयान दिलवा देंगे कि मैं कोई बड़ा सरकारी बंगला नहीं लेना चाहता और मैं जहां रहता हूं मैं वहीं रहता रहूंगा। ये सारी बातें देखने वाली होंगी। अब हम आपको प्रधानमंत्री मोदी के बैक टू बैक दो सुपरहिट वीडियो दिखाएंगे। इनमें एक वीडियो अहमदाबाद और गांधीनगर का है जो आज का है, और जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आज उन लोगों को बड़ी निराशा होगी जो ये सोचते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में 240 सीटों पर सिमटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता में कुछ कमी आई है। आज गांधीनगर में प्रधानमंत्री मोदी कई मकानों की छतों पर पहुंच गए जहां सौर ऊर्जा से जुड़ी एक योजना के तहत सोलर पैनल्स लगाए गए हैं, और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें खींचने के लिए अलग अलग मकानों की छतों पर बहुत भीड़ लगी हुई थी, बहुत सारे लोग आ गए। और इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद से भुज के बीच नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन भी किया जिसकी अधिकतम स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इस रेल का न्यूनतम किराया 30 रुपए और अधिकतम 455 रुपए होगा। अब जरा आप तस्वीरें देखिए। अब दूसरा वीडियो प्रधानमंत्री मोदी के घर का है जहां वो एक नन्ही सी गाय के साथ खेलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये उनके घर में नई मेहमान है। और इस वीडियो के बाद से प्रधानमंत्री मोदी के कट्टर समर्थक बेहद खुश हैं। पहले आप वीडियो देख लीजिए, फिर आपको बताएंगे कि वो कौन से कट्टर समर्थक हैं और वो क्यों खुश हैं। Thank you.
प्रधानमंत्री मोदी के इस वीडियो से चार बातें पता चलती हैं। पहली बात, इससे प्रधानमंत्री मोदी का जो कोर वोटर है, जो उन्हें हिंदुत्व के मुद्दे के लिए बहुत पसंद करता है, वो वोटर इन तस्वीरों को देखकर, एक गाय के साथ ऐसी तस्वीरों को देखकर बेहद खुश हुआ है लंबे समय के बाद। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी ने इस वीडियो में यह भी बताया कि देश के प्रधानमंत्री का धर्मनिरपेक्ष होने के लिए यह जरूरी नहीं है कि वो अपने हिंदू होने पर शर्मिंदा हो, जैसा कि पहले के प्रधानमंत्री किया करते थे। प्रधानमंत्री मोदी अपने हिंदू होने पर बिल्कुल शर्मिंदा नहीं है, वो सार्वजनिक तौर पर हिंदू धर्म का पूरा पालन करते हैं। जब व्रत रखना होता है तो व्रत रखते हैं, गाय को अपने घर में पालकर रखते हैं, आपने देखा होगा। और अभी आपने ये भी देखा होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर पर जाकर उन्होंने गणेश पूजा भी की थी। इसलिए हिंदू होने पर वो बैकफुट पर नहीं जाते, इसलिए उनका जो कोर वोटर है, जो हिंदुत्व के मुद्दे पर उन्हें पसंद करता है, वो इससे बड़ा खुश हुआ है और बहुत प्रभावित है। तीसरी बात, गौ सेवा करके प्रधानमंत्री मोदी उन विपक्षी नेताओं को भी जवाब दे रहे हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव में कहा था कि बीजेपी को वही लोग वोट देते हैं जो गौमूत्र वाले राज्यों में रहते हैं, और यह मजाक उड़ाया गया था। चौथी बात, प्रधानमंत्री मोदी ने एक नई परंपरा को शुरू किया है जिसमें वो अपने घर पर गायों को पाल रहे हैं। आपको याद होगा जब वो गाय लेकर आए थे अपने घर में, तब भी उन्होंने एक वीडियो जारी किया था उन गायों के साथ, वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे। इससे पहले देखिए, पूरे दुनिया भर में इस तरह की परंपराएं हैं कि दुनिया भर के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री हैं और राष्ट्रपति हैं, वो अपने घर में जानवरों को पालते हैं, पालतू जानवरों को वो अपने घर में रखते हैं। आपको याद होगा इससे पहले अमेरिका के व्हाइट हाउस में पेट डॉग्स के साथ गायों को भी पालने की परंपरा रही है, जिन्हें वहां प्रेसिडेंशियल पेट्स कहते हैं। और सोचिए, अमेरिका के राष्ट्रपति घर में, राष्ट्रपति के घर में, व्हाइट हाउस में गायों को पाला जाता है तो लोग इसे पिछड़ेपन की निशानी नहीं मानते। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के घर में जब गायों को देखकर यह कहा जाता है कि प्रधानमंत्री कट्टर हिंदू हैं या पुराने जमाने के हैं, तो देखिए ये दोहरे मापदंड लोगों के कैसे सामने आ जाते हैं। लेकिन दुनिया भर में अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अपने घर में सिर्फ डॉग्स को पालते हैं। भारत के प्रधानमंत्री अपवाद हैं, वो डॉग्स को नहीं बल्कि गाय को पाल रहे हैं और पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं कि मैं अलग हूं, इसके लिए मैं बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हूं, और ये बात उन्हें बाकी के नेताओं से बिल्कुल अलग बताती है, बनाती है। अब आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस नवजात बछड़े का नाम दीप ज्योति रखा, वो किस नस्ल की गाय है। बहुत सारे लोगों को ये गाय बड़ी अच्छी लग रही है, बहुत क्यूट लग रही है, प्यारी लग रही है। और क्या इन गायों को प्रधानमंत्री मोदी की तरह आप भी अपने घर में पाल सकते हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आवास पर कुल 8 से 10 गायों को इस समय रखा हुआ है, और ये सभी भारतीय नस्ल की गाय हैं। और इनमें भी जिस गाय की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, उसका नाम है पुंगानुरु गाय। पुंगानुरु गाय की जो हाइट है वो 2.5 से 3 फीट के बीच होती है, और यह दुनिया की सबसे छोटी गाय है जो कुछ वर्ष पहले तक विलुप्त होने की कगार पर थी। तो बहुत सारे लोग जो अपने घर में कुत्ते पाल लेते हैं, उतनी ही जगह में आप इस गाय को भी पाल सकते हैं। इन गायों को पुंगानुरु इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी नस्ल आंध्र प्रदेश के उस क्षेत्र में पाई जाती है जिसे पुंगानुरु कहते हैं, यानी ये क्षेत्र का नाम है और ये क्षेत्र चित्तूर जिले में पड़ता है, इसीलिए इन्हें पुंगानुरु गाय कहते हैं। इन गायों का वजन ज्यादा से ज्यादा 200 किलोग्राम होता है, और इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये चारा बहुत कम खाती हैं, जगह भी बहुत कम लेती हैं, और सामान्य गायों की तुलना में इनका दूध ज्यादा गाढ़ा और औषधीय गुणों से भरपूर होता है। अगर आप इनका दूध पिएंगे तो आपको, आपके स्वास्थ्य को बहुत लाभ होगा। इसके अलावा इन गायों का पीछे का हिस्सा नीचे की ओर झुका हुआ होता है, और इनकी पूंछ लंबी होती है जो जमीन को छूती है, और इनके सींग कुछ टेढ़े मेढ़े होते हैं, और इस नस्ल की ज्यादातर गायों का रंग सफेद ही होता है। इसी साल 14 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने इन गायों की सेवा का एक वीडियो शेयर किया था जब वो गौ सेवा कर रहे थे, जिसके बाद हमारे देश के कुछ लोगों ने इन गायों को खरीदने की इच्छा भी जताई। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ऐसा बता रही हैं कि हमारे देश में गायों को लेकर इतनी नकारात्मकता है कि गौ सेवा करने वालों को हमारा समाज, कुछ मुट्ठी भर लोग हमारे समाज के, वो उन्हें पिछड़ा हुआ मानते हैं, अशिक्षित मानते हैं, जिसके कारण लोग सामाजिक डर की वजह से भी गौ सेवा से दूर हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि जो बाकी का जो समाज है, समाज के कुछ खास लोग, वो हमें एक अलग नजर से देखेंगे।
वो हमें पिछड़ा हुआ मान लेंगे, वो हमें अशिक्षित मान लेंगे। इसलिए बहुत सारे लोग गौ सेवा से बच रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि आज से 1000 वर्ष पहले तक गाय भारत के लगभग सब परिवारों का हिस्सा होती थी। भारत के हर घर में गाय जरूर होती थी। 1000 क्या कुछ सैकड़ों वर्षों पहले तक भी अगर आप जाएंगे तो भारत के हर घर में गाय जरूर हुआ करती थी। भारत का हर परिवार गौ सेवा करता था। लेकिन अब भारत में यह परंपरा समाप्त हो रही है। आज पालतू जानवरों की सूची में सबसे ऊपर हमारे देश में, तो यहां आपके लिए जानना जरूरी है, हमारे देश में लोग पालतू जानवरों को तो पालते हैं अपने घर में, लेकिन किसको पालते हैं? सबसे ऊपर कुत्ते हैं, जिन्हें 34% भारतीय परिवारों ने अपने घर में पाला हुआ है। इसके बाद 20% परिवारों ने बिल्ली को पाला हुआ है। 14% परिवारों ने कबूतर, कोई चिड़िया या तोते को पाला हुआ है। 9% परिवारों ने खरगोश पाला है। 10% परिवारों ने गोल्ड फिश और 4% परिवारों ने चूहे और सांपों को भी पाला हुआ है। लेकिन गाय भारत के 10 शीर्ष पालतू जानवरों में नहीं आती। और इसका कारण यह है कि हमारे देश में गाय को मां का दर्जा तो दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही गौ सेवा को और गोपालकों को पिछड़ा हुआ, अशिक्षित और कट्टर हिंदू मान लिया जाता है। और इस छवि की वजह से बहुत सारे लोग अब गौ सेवा करने से पीछे हट जाते हैं। इसलिए आपसे हम ये कहना चाहेंगे कि जिस नस्ल की गाय अभी हमने आपको दिखाई है, अगर आप चाहें तो इन गायों को आप अपने घर में पाल सकते हैं, आप गौ सेवा कर सकते हैं, और इसके लिए आपको किसी के सामने शर्मिंदा होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। गर्व से इन गायों को अपने घर में पालिए, इनकी तस्वीरें लीजिए, इनके वीडियोस बनाइए, इंस्टाग्राम पर डालिए, सोशल मीडिया पर डालिए, और बताइए कि हम अपनी गायों से बहुत प्यार करते हैं। ये गाय हमारे माँ जैसी तो हैं ही, लेकिन ये हमारी परंपरा का, हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। इसलिए अगर आप चाहें तो आप भी अपने घर में ऐसा वीडियो बना सकते हैं। हमारे अगले विशेषण की शुरुआत अब हम इन तस्वीरों से करेंगे जो एक दिन पहले कोलकाता से आई है। कोलकाता में कल बारिश के दौरान आरजी कर अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स ने अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। यह बारिश भी उन्हें रोक नहीं पाई। वहां प्रदर्शन के दौरान चारों तरफ छाते ही छाते नजर आ रहे थे क्योंकि तेज बारिश पड़ रही थी, लेकिन ये जो डॉक्टर हैं ये वहां से हिले नहीं। और आज भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और इन डॉक्टरों के बीच एक बैठक हुई। और इन घटनाओं से ऐसा लगता है कि हमारे देश के लोग बलात्कार की घटनाओं के खिलाफ काफी गंभीर हो गए हैं, और कम से कम इन तस्वीरों को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि पूरा देश जाग चुका है। पूरे देश के लोग गुस्से में हैं और वो चाहते हैं कि अब इस तरह के जो रेप्स हैं, ये मर्डर है महिलाओं के साथ, ये जो इस तरह का सलूक हो रहा है, अब ये रुकना चाहिए। आपको भी इन तस्वीरों को देखकर यही लगता होगा। लेकिन अब आपको एक चौंकाने वाली बात बताते हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद से पिछले एक महीने में भारत के लोग इंटरनेट पर अब भी सबसे ज्यादा पॉर्न वीडियोज ही देख रहे हैं। अगस्त के महीने में गूगल और यूट्यूब के बाद लोगों ने सबसे ज्यादा एक पॉर्न वेबसाइट को ही सर्च किया है। इसके अलावा इंटरनेट पर टॉप 50 सर्चेज में 8 सर्च पॉर्न वेबसाइट्स के थे, और भारत के लोगों ने रील्स के बाद सबसे ज्यादा पॉर्न वीडियोस को देखा था। 8 और 9 अगस्त की रात को जब कोलकाता के सरकारी अस्पताल में एक 31 वर्ष की महिला डॉक्टर का बलात्कार हुआ, फिर हत्या हुई, तब देश के लगभग सभी राज्यों में इस घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। लेकिन सोचिए, विरोध प्रदर्शन का क्या फायदा जब लोग इंटरनेट पर नौकरी नहीं खोज रहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं खोज रहे, न्यूज वेबसाइट नहीं खोज रहे, उससे ज्यादा पॉर्न वीडियोस को देख रहे हैं और पॉर्न वेबसाइट्स को सर्च कर रहे हैं। और इनमें भी पॉर्न वीडियोस को सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोन से देखा जा रहा है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारे देश में मोबाइल फोन का भी, इस टेक्नोलॉजी का भी किस तरह का इस्तेमाल हो रहा है। अब आपको 960 करोड़ रुपए में बने एक ऐसे नेशनल हाईवे पर लेकर चलेंगे जिसे इस बार की भारी बारिश ने कोमा में पहुंचा दिया है। यह नेशनल हाईवे मध्य प्रदेश के सिवनी में है, जो वहां के मशहूर पेंच टाइगर रिजर्व से गुजरता है, और यह देश का पहला साउंड प्रूफ हाईवे है, जिसमें 28 किलोमीटर के नेशनल हाईवे के निर्माण पर 960 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। और सरकार ने कहा था कि इस हाईवे से जब
कोई भी गाड़ी गुजरेगी तो उनका गाड़ियों का शोर जंगल में जानवरों को परेशान नहीं करेगा, शोर वहां तक पहुंचेगा ही नहीं क्योंकि ये साउंड प्रूफ हाईवे है। लेकिन इस बार की बारिश के बाद इस हाईवे में दरारें आ गईं, बड़े बड़े गड्ढे हो गए और अब इस हाईवे पर 50 मीटर के एक हिस्से की मरम्मत चल रही है। सिवनी में पेंच टाइगर रिजर्व से होकर यह हिस्सा नेशनल हाईवे का गुजरता है, इसलिए इस 28 किलोमीटर के हिस्से को साउंड प्रूफ बनाया गया है। आप देख सकते हैं हाईवे के दोनों तरफ एक फाइबर की शीट लगी हुई है। इस शीट का लगाने का मकसद यह है ताकि हाईवे से गुजरने वाले गाड़ियों की आवाज जंगल में रहने वाले जानवरों को डिस्टर्ब ना करे। बहरहाल ये हाईवे साल 2021 में सुर्खियों में आया था क्योंकि ये देश का पहला साउंड प्रूफ हाईवे था और अब ये 2024 में सुर्खियों में आया है। हाईवे के निर्माण में जो खराब क्वालिटी है उसको लेकर सुर्खियों में आया। आप देख सकते हैं ये पूरा हिस्सा जो है यहाँ पर रिपेयर किया जा रहा है पैनल का। यहाँ पर काफी चौड़ी चौड़ी लगभग 4 से 5 इंच चौड़ी दरारें आ गई थी, क्रैक्स आ गए थे, थोड़ा यहाँ पर हाईवे का हिस्सा बैठ गया था। हालांकि एलिवेटेड रोड है, ब्रिज बना है, ब्रिज के ऊपर का रोड है, लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा क्रैक्स आ गए थे और हाईवे का हिस्सा बैठ भी गया था। इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ हाईवे के यहाँ पर जहाँ पर रिपेयर का काम चल रहा है यहाँ पर सीमेंट की बोरियां और ये प्लास्टिक के स्टॉपर रख के थोड़ा सा ट्रैफिक यहां पर रोका गया। करीब लगभग 100 फीट लंबा पूरा हिस्सा है। पिछले साल भी इस हाईवे में दरारें आ गई थी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कहना है कि इसकी क्वालिटी में असल में कोई कमी नहीं है बल्कि ये एक रूटीन मेंटेनेंस है। हमने उनका भी एक रिएक्शन इस पर लिया है, वो आप सुनिए। क्वालिटी में कोई कमी नहीं रही है, क्वालिटी बहुत अच्छी है उस काम की। और बीते साल जो हुआ था सिर्फ एक पैनल एक जगह नीचे जो है कहीं बल्जिंग हुआ था, कहीं उस पर पियर में कहीं उस पर, तो वहाँ उस बल्जिंग की वजह से वो सेटलमेंट हो गया था तो उसको जो है उसी समय रिपेयर कर दिया गया था। एक ही पैनल का था मैटर, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था जी। और अभी जो हुआ है ये रूटीन मेंटेनेंस है, ये हम लोगों ने इसको नोटिफाई किया था पूरा विजिट करके, रूटीन है इसको नोटिफाई किया तो उसमें कहीं कहीं जो है माइनर क्रैक्स जो डेवलप हो जाते हैं ये ड्यू टू मतलब क्या कहते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन भी होती है और व्हीकल निकलता है ब्रेक्स वगैरह टर्निंग्स हैं काफ़ी उसमें, तो इन वजह से कुछ ना कुछ उसमें ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो जिसको IRC गाइडलाइन के हिसाब से हमने उसको रूटीन मेंटेनेंस में उसको हमने टेक ओवर किया है। तो इसमें अगर ओवरऑल देखा जाए तो 1% भी नहीं, आधा परसेंट भी नहीं है पूरे ओवरऑल स्ट्रेच में जो PQC हमने रिप्लेस कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि एक रूटीन मेंटेनेंस है, लेकिन सच यह है कि इस नेशनल हाईवे नंबर 48 पर आगरा से लेकर मुरैना, धौलपुर और ग्वालियर तक जगह जगह गड्ढे हैं जिनके कारण कई बार सड़क दुर्घटनाएं भी हुई हैं और इन गड्ढों को कोई भी सरकार छिपा नहीं सकती। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन में इन 3 बातों को हमेशा याद रखें। आनंद में वचन न दें, क्रोध में उत्तर न दें और दुख में फैसला न दें। नमस्कार।